दिखाते कुछ है, बेचते कुछ है और बाद में बोलते हैं कि प्रोडक्ट ख़त्म हो गया था और पैसा भी रिटर्न नहीं करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है फिर से एक नई वीडियो में। और भाइयों का काफ़ी कमेंट आ रहा था जन्नत यूनिवर्सल शूज़ के ऊपर रिव्यू वीडियो बनाने के लिए, तो फाइनली आज इस वीडियो में हम जन्नत यूनिवर्सल शूज़ के बारे में रिव्यू वीडियो बनाने वाले हैं और लाइव आपको दिखाने वाले हैं कि उनका बिहेवियर कस्टमर के रिगार्डिंग कैसा है, वो किस तरह से अपने न्यू और पुराने कस्टमर से बात करते हैं। बल्ली मारान में आप गारंटी वाला शूज़ नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो फाइनली आज मैंने जन्नत यूनिवर्सल शूज़ से बात करी और उनसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ही कॉल किया और वो फर्स्ट टाइम ही कॉल रिसीव किए और मेरी बात हुई उनसे, और मुझे बात करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, जेन्युइन बंदे हैं। और बाकी आगे अभी ऑडियो आप सुनोगे तो आपको ऑडियो सुनने के बाद समझ में आ जाएगा कि बंदा जेन्युइन है। उनकी प्रोडक्ट भी जेन्युइन होनी चाहिए क्योंकि मैंने काफ़ी रिव्यू करा है उसके ऊपर, जन्नत यूनिवर्सल शूज़ के ऊपर, तो मुझे अभी तक इस पर किसी भी तरह का कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और ना ही मिला है। फिलहाल आप एक बार लाइव हमारा जो है कन्वर्सेशन सुन लो, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। बेसिकली आज की ये वीडियो का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बल्ली मारान से रिगार्डिंग किसी भी शूज़ का कोई गारंटी वारंटी नहीं होता। सबसे पहले चीज़ आप ये समझ लो, अगर आप बल्ली मारान से डील कर रहे हो तो वहाँ पर बस सेलर्स के बिहेवियर और उनके प्रोडक्ट्स में की क्वालिटी में फ़र्क है। अगर किसी सेलर्स का शूज़ एक साल चलने वाला भी है तो वो एक महीने की गारंटी अगर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो गारंटी नहीं देगा। ये आपको देखना है कि कौन सा सेलर का प्रोडक्ट अच्छा है और किसके साथ आपको डील करना है। आपको बस समझना यही है कि बहुत सारे फेमस हैं बल्ली मारान में सेलर्स, आप उनका नंबर लेकर आप डायरेक्टली कॉल करो, वो कॉल पर ही नहीं आएंगे। जो चीटिंग करते हैं ना अपने कस्टमर्स के साथ, वो रैंडम नए नंबर के साथ कॉल में आएंगे ही नहीं। क्योंकि मुझे कमेंट्स में काफ़ी सेलर्स के बारे में कमेंट आया है कि आप इनके ऊपर रिव्यू वीडियो बनाओ, और मैंने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, बट क्या है कि वो डायरेक्टली कॉल पर आते नहीं हैं। मतलब वो बोलेंगे पहले ये करो वो करो क्या चाहिए, मतलब मैसेज कर लेंगे, बात जैसे करने के लिए बात आती है, वो बात नहीं करना चाहते। तो इससे समझ में आता है, पता चलता है कि आपने ज़रूर कभी ना कभी अपने किसी कस्टमर के साथ चीटिंग करी है, तभी आपको कॉल में आने में दिक्कत है। भाई कॉल में तो कोई खा नहीं सकता ना, दिक्कत क्या है? अगर आप जेन्युइन बंदे हो, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, चीट नहीं किया, तो रैंडम भाई कस्टमर है, हमारा भी शॉप है, हमारा भी नंबर नेट पर है, तो हमें भी रैंडम कॉल से नंबर से कॉल आते रहते हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिसीव होने में। खैर वो बात की बात है, मैं अभी लगभग जितने भी फ्रॉड्स और स्कैमर्स हैं ना बल्ली मारान में, सबके ऊपर रिव्यू वीडियो लाऊंगा धीरे धीरे। आप लोग बस इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, और अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकन दबा देना, इससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर फ़ोन पर मिल जाएगा। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है, मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं शूज़ का, तो अगर बल्ली मारान से बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको ये समझना है। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे इसमें मैं स्कैमर्स के बारे में बताता हूँ और बढ़िया जो सेलर है उनके बारे में भी बताता हूँ। अगर आपको पर्सनली जानना है कि कौन से सेलर अच्छे हैं, तो आप नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, उस पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, मैं उस पर हमेशा अपडेट में रहता हूँ, और किसी भी तरह की कोई क्वारी या फिर सजेशन चाहिए होगा तो आप उस पर हमसे ले सकते हो। हाँ जी भैया नमस्ते। हाँ सर बोलिए। तो भैया जैसे आपके पास अगर कोई कस्टमर पहले ले रहा है और अगर इन केस कोई दिक्कत आती है तो आप उसके लिए कुछ मैनेज होता है कि नहीं होता? अगर प्रोडक्ट लेने के बाद कोई दिक्कत आती है, उसमें कोई पेस्टिंग का इशू आता है या कुछ भी? कोई गारंटी नहीं होती है, बट एक एवरेज होता है ना, क्या इस ड्यूरिंग से पहले अगर होता है कोई दिक्कत, जैसे कि 3 महीना 4 महीना से पहले, मान लीजिए महीने दिन में ही हो गया, 10 दिन में हुआ, और वो एक दो में कोई दिक्कत नहीं है, सर, तो सुनिए, 3-4 महीने तक चलता है, तो कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं होती ना देते हैं। गारंटी वारंटी मतलब हम लोग भी कस्टमर को कोई गारंटी वारंटी नहीं दे, इस रेट का है लेना है लो, नहीं कस्टमर से को कस्टमर सुनिए कस्टमर सबसे बढ़िया 3-4 है, दो
तीन महीने 4 महीने कितने का बेचोगे आप? कौन सा 230 का लेके मुझसे आगे 1000-2000 का थोड़ी बेचोगे? नहीं 1000-2000 नहीं, वही 4.5-3.5 हम लोग कस्टमर को 3-4 महीने का दे सकते हैं। मुझे वही सारे प्रोडक्ट मिलेंगे? हाँ सर वही मिलेंगे, अगर कुछ होता नहीं है मेरे पास, कुछ अवेलेबल नहीं होता तो नोटिफिकेशन देने के बाद फोटो। सुनिए सुनिए, मैं दूसरा फोटो भेजूंगा आपको, उसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा या आराम से अपना वीडियो कॉल करिएगा, वीडियो कॉल में सिलेक्ट कर लीजिएगा। मतलब आप अपने अपने खुद से तो कोई आइटम चेंज तो नहीं करेंगे ना सर? हम नहीं करते जी, बिल्कुल वही चीज़ है। और मैं बोल रहा था मिनिमम हम नहीं करते, हम जब तक आप नहीं कहेंगे ये वाली आइटम डाल लो हम नहीं डालते। चलिए अच्छी बात है भैया, एक कार्टन में 48 पेयर्स आ जाएंगे ना कम से कम? हाँ सर 48 पेयर आता है एक कार्टन में। तो ये जो 250 रुपये का आप रेंज बता रहे हो, तो 250 रुपये वाले में कम से कम 3 महीने का गारंटी तो मैं कस्टमर को दे सकता हूँ ना सर? गारंटी वारंटी कुछ नहीं दीजिए, 350-400 में कोई गारंटी नहीं होती, गारंटी तो पूमा की कंपनी की नहीं होती जो 24-25 हज़ार के होते हैं। इतना ज़्यादा पोस्टिंग का इशू आ रहा है, मतलब आज कस्टमर लेके जा रहे हैं और 10 दिन 20 दिन 1 महीने में लगभग ऑलमोस्ट सभी शूज़ के दिक्कत ये आ ही रहते हैं। मैंने बात भी करी है तो उन्होंने तो बोला, बट अब मैं यहाँ से मैं अब यहाँ झारखंड से दिल्ली उतना स्टॉक लेकर तो आना पॉसिबल है नहीं, इसलिए मैंने आपसे ये चीज़ें लेने से पहले क्लियर कर रहा हूँ कि वो तो समझ रहा हूँ कि गारंटी नहीं देना है, मैं आपकी बात समझ गया, बट शूज़ की क्वालिटी आप इतना टाइम से सेल कर रहे हो तो आपको तो पता होगा ना कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, कस्टमर जो आपसे लेके जाते हैं उनका रिस्पॉन्स किस तरह का है, उसमें कोई कंप्लेंट वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मतलब आपके शूज जितने भी है मतलब ऑलमोस्ट सभी 1-2% तो दिक्कत किसी में थोड़ा बहुत तो आता रहता है, लेकिन ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं है शूज में, यही ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, मैं सबसे कहता हूँ गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती, अगर आगे भी बेच रहे हो गारंटी नहीं दो, बंदा लेके जाएगा खुद 2-3 महीने पहनेगा, 2-3 महीने बाद तो खुद चेंज कर देता है। हाँ लेकिन कभी कभी दिक्कत ये आती है ना कि 10 दिन में 15 दिन में अगर नीचे का सोल का बढ़ गया चलते चलते तो कस्टमर सीधा शूज लेके दुकान पर, ऐसा तो कभी कोई इसमें ऐसा तो नहीं हो सकेगा ना कि कभी किसी का कस्टमर का सोल ही निकल के रह गया नीचे? चलिए ठीक है, इतना आप बोल दिए बहुत अच्छा है, आपने ना टाइम दिया। कि वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है और हमारा जितना भी कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद आप ये ज़रूर डिसाइड कर पाएंगे कि किसी भी सेलर को डायरेक्टली अपने किसी भी रैंडम कस्टमर से बात करना चाहिए, जैसा कि अभी जन्नत यूनिवर्सल शूज़ के ऑनर ने हमसे बात करी है, और इनकी बात से ये क्लियर पता चलता है कि ये एक जेन्युइन बंदे हैं, इनकी प्रोडक्ट जेन्युइन है। अगर बहुत कोई लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट व्हाट्सएप पर दिखा देते हैं, प्रोडक्ट का पेमेंट तो आ गया, पेमेंट होने के बाद सामान भेज दिए, सामान भेजने के बाद वहाँ पर कुछ और ही प्रोडक्ट निकलता है, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि व्हाट्सएप पर वीडियो देखा बहुत सारा अच्छा लगा, हाँ भाई व्हाट्सएप पर ये फोटो दिखा दिया, ये वीडियो कॉल में दिखा दिया, अब सपोज दैट हुआ क्या कि कुछ कस्टमर्स के कंप्लेंट भी आए मुझे इंग्लिश फुटवेयर के नीचे में, मैंने कमेंट देखा था कि दिखाते कुछ है बेचते कुछ है और बाद में बोलते कि प्रोडक्ट ख़त्म हो गया था और पैसा भी रिटर्न नहीं करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में इनसे क्लियरली पूछा कि मैं दिखाऊंगा कुछ और भेजूंगा कुछ, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो उन्होंने बोला क्लियर कि अगर कोई स्टॉक जैसा अभी मैंने आपको दिखाया और इन फ्यूचर वो स्टॉक ख़त्म हो गया जिसमें पैक करना है, तो पहले वो आपको कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पर फोटो भेजेंगे कि हाँ भाई ये स्टॉक ख़त्म हो गया, उसके जगह पर ये है, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो क्वान्टिटी कम कर देंगे। ये नहीं कि आपने 500 का पीस 500 का मतलब 5000 का माल लिखवाया तो 5000 का वो अपने हिसाब से ऐड करके भेज देंगे, वो नहीं होगा। जैसा कि अभी मैंने कन्वर्सेशन में उनसे बात करी तो जहाँ तक मुझे लग रहा है जेन्युइन बंदे हैं और अपना भी एक्सपीरियंस कुछ होता है यार, तो इसलिए आप बेधड़क आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हो बिज़नेस, और बिज़नेस स्टार्ट कर अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी एक जो है एक्सपीरियंस ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कभी भी एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट मत उठाना, बहुत अगर उठाना है तो 2 पैकेट मतलब 2 कार्टन नहीं तो 1 कार्टन, क्योंकि हर 2-3 महीने से ज़्यादा की लाइफ नहीं है इन शूज़ की। अगर आप बल्ली मारान से डील
मार्केट कर रहे हो तो 2-3 महीने से ज़्यादा की ये जो ये नहीं है, इसकी वैलिडिटी नहीं है, तो कभी भी बल्क में मत उठाना, क्योंकि मैंने बल्क में उठाकर मैंने बहुत अपना नुकसान कर लिया है। जब भी लो, एक कार्टन या दो कार्टन मान लो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना।